हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीकॉम के फोर्थ सेमेस्टर का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट के सेमेस्टर पेपर को। दोस्तों ये एग्जाम आपका 13 जून 2024 को हुआ था। एंड दोस्तों ये वीडियो आपके उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि फ्यूचर में आप लोग अगर बीकॉम के फोर्थ सेमेस्टर में आओगे एंड अपना इनकम टैक्स का एग्जाम दोगे तो आपको पीवीएस ये पेपर काम आएगा। एंड दोस्तों उन बच्चों को तो काम आएगा ही आएगा जिन्होंने एग्जाम दिया है एंड वो अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आप लोग एमकॉम का एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो वहां पर भी आपको ये वीडियो काम आएगा। ठीक है, हम लोग अपने आंसर को डिस्कस करते हैं, आप लोग अपने आंसर को टिक करते जाना अपने हिसाब से। ठीक है, एंड इससे आप कन्फर्म कर पाओगे कितना सही है कितना गलत है। दोस्तों ये जो सेट है ये सेट नंबर ए है। ऐसे ही ए बी सी तीनों सेट आते हैं। तीनों सेट के ना दोस्तों खासियत क्या होती है, क्वेश्चन सेम होते हैं, बस क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं। ये जो सेट है आपका ये सेट नंबर ए है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, और ये एग्जाम दोस्तों 13 जून 2024 को हुआ था। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को आप यहाँ पे देखते चलो। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, राजा तोडामल वॉज द रेवेन्यू मिनिस्टर डूइंग द रिजाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर। ठीक है, निम्नलिखित मुगल सम्राट में किसके शासन में राजा तोडामल राजस्व मंत्री थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, मैं लिख देता हूँ अकबर फर्स्ट। ठीक है, ओके, पूरा आंसर ये होगा, यहाँ पे मिस प्रिंट है। ठीक है, फिर दोस्तों रेवेन्यू कलेक्शन अरेंजमेंट ऑफ राजा तोडामल वॉज नोन एज, जो राजा तोडामल का पैसा वसूली व्यवस्था थी उसका नाम क्या था दोस्तों। ठीक है, उसका नाम था बंदोबस्त। ओके, फिर राजा तोडामल वॉज एज अ फाइनेंस मिनिस्टर अकबर इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ रेवेन्यू नोन एज जब्त एंड सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। तो भैया जो उनका क्या बोलते हैं रेवेन्यू सिस्टम था उसका नाम जब्त था, लेकिन उनका जो टैक्सेशन का सिस्टम था उसका नाम क्या था, उसका नाम दोस्तों था दशाजा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको सब कुछ वीडियो एक्सेस में पढ़ा दिया है। ठीक है दोस्तों, अ पर्सन हु इज डीम टू बी एन एस एस सी फॉर सम अदर पर्सन, यानी कि वो इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए एस एस सी कहलाता है। ठीक है, उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डीम्ड एस एस सी, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है दोस्तों, पर्सन इंक्लूड, पर्सन क्या क्या इंक्लूड करता है दोस्तों, इंडिविजुअल, एच यू एफ, ए ओ पी, बी ओ आई, लोकल अथॉरिटी, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो यहाँ पे आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा दोस्तों। डेफिनेशन ऑफ इनकम, ये पीवीएस क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या बोलते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये दोस्तों मतलब ऐसा क्वेश्चन है ना कि आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, उसके पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि कॉमर्स नेशन एंड कॉलेज नेशन दो अलग अलग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अगर आपको बीकॉम के सेमेस्टर्स की पढ़ाई करनी है, ठीक है, अगर आप बीकॉम के सेमेस्टर एग्जाम में हो एंड आपको सेमेस्टर की पढ़ाई करनी है तो आप लोग सब्जेक्ट के वीडियोस को वॉच कर सकते हो हम लोग की ऐप के ऊपर। ठीक है, हम लोग की ऐप को डाउनलोड करके दोस्तों आप वहाँ पे सारी चीज़ों को देख सकते हो, पीवीएस या पेपर हो गया, कुछ भी हो गया वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो, पीवीएस से पेपर, वीडियोस, लेक्चर, सब कुछ। एंड दोस्तों ये सब कुछ केवल 499 के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा आपका डेफिनेशन ऑफ इनकम, बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, यानी जब भी एग्जाम होता है ये पूछता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इंक्लूसिव। ठीक है, फिर दोस्तों द इनकम ऑब्टेंड आफ्टर डिडक्टिंग सेक्शन डैश आउट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम इज नोन एज टैक्सेबल इनकम, यानी कि कौन से सेक्शंस हैं जिसको माइनस करते हैं उसके बाद क्या बोलते हैं टैक्सेबल टोटल इनकम आती है। ठीक है, यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम में से कौन से सेक्शन को माइनस करते हैं, सेक्शन 80 सी से लेके 80 यू तक। ठीक है, ओके, अब दोस्तों द टर्म प्रीवियस ईयर मींस, प्रीवियस ईयर का क्या मतलब होता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर बिफोर असेसमेंट ईयर। ठीक है, अब दोस्तों व्हाट वुड बी द असेसमेंट ईयर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23। ठीक है, यानी ये एक हो जाएगा 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक, यानी कि क्या बोलते हैं एक यहाँ पे आपका 23-24 हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 23-24। ठीक है, फिर दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चर इनकम, कौन सी एग्रीकल्चर इनकम है, अगर आपको कोई भी टाइप का रेंट मिल रहा है एग्रीकल्चर से तो वो आपका एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इन केस ऑफ वुमेन असेसमेंट एग्रीकल्चर इनकम ऑफ 20,000 सीआईबी इंक्लूडेड इन हर टोटल इनकम व्हेन इट इज मोर देन द फॉलोइंग लिमिट। तो सिंपल सी बात है, अगर क्या बोलते हैं अगर 20,000 की एग्रीकल्चर इनकम हो और यहाँ एक वुमेन है उससे कोई मतलब नहीं है तो 2,500 रुपए से ऊपर होगा तो उसको ऐड किया जाएगा। फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स एग्रीकल्चर इनकम इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ, टैक्स को निकालने के लिए एग्रीकल्चर इनकम को किसके में ऐड किया जाता है, बाद में माइनस भी हो जाता है वो। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इंडिविजुअल। ठीक है, फिर दोस्तों डैश परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया इज कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चर इनकम। तो भैया कौन सी एग्रीकल्चर इनकम होती है, कितना परसेंट, 60% होती है एग्रीकल्चर इनकम, 40% होती है बिजनेस इनकम। डैश परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रबर यानी सेंट्रीफ्यूग लैटेक्स, यानी जो रबर होता है उसको बनाने में कितनी परसेंट एग्रीकल्चर इनकम होती है, 65% एग्रीकल्चर इनकम होती है, बाकी का आपका बिजनेस इनकम होती है। ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस एस एस सी आर डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी कैटेगरी, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, इसका आंसर हो जाएगा 2।
ठीक है। फिर इनकम अक्यूइंग इन इंडिया इज एसेसेबल फॉर, यानी इनकम जो इंडिया में अक्यू हुई है वो किसके लिए टैक्सेबल दोस्तों है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है, ठीक है। ये सारे एसएससी के लिए टैक्सेबल होती है। एवरी ईयर द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएससी दोस्तों वो चेंज हो सकती है। इनकम नॉट टैक्सीबल इन केस ऑफ रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है, तो फॉरन इनकम टैक्सीबल नहीं होती है, ठीक है। अब दोस्तों अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु गोज अब्रॉड, एक इंडिया का सिटीजन है जो कि इंडिया के बाहर गया है नौकरी करने के पर्पज से, ठीक है, तो ही तो कितना परसेंट उसके लिए कितना दिन होगा दोस्तों? सिंपल सी बात है, इसका आंसर है 60 के बजाय उसका 182 डेज उसको इंडिया में होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, कौन सी इनकम एग्जेम्प्टेड है? एग्रीकल्चर इनकम इन कोलकाता, इंडिया में कोई भी खेती करके इनकम कमाओगे उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। इन विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एग्जेम्प्टेड इनकम आर गिवन मेंशन, सेक्शन नंबर 10। मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंटरेस्ट एग्जम्पशन एंड इंडिविजुअल अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 3,500 रुपये। अगर आपने ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया है, कितना अकाउंट? ज्वाइंट अकाउंट, तो ये आपका 3,500 रुपये प्लस 3,500 रुपये, यानी कि 7,000 का आपको छूट मिलेगा, ठीक है। यानी पोस्ट ऑफिस में अगर आपने सेविंग अकाउंट खुलवाया है तो आपको इंटरेस्ट के ऊपर कितना एग्जम्पशन मिलेगा, ठीक है, तो 3,500 रुपये आंसर हो जाएगा। अगर ज्वाइंट अकाउंट होगा तो 7,000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके इस बात को ध्यान रखना। और गूगल पे अगर आंसर आप चेक करोगे तो आपको 10,000 दिखाएगा, ठीक है, इसको मत देखना। अब दोस्तों एग्जेम्प्टेड इनकम इज, एग्जेम्प्टेड इनकम क्या होती है दोस्तों, इनमें से कौन सी एग्जेम्प्टेड इनकम है? तो भैया इंटरेस्ट फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी, इसके ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है। फिर डिविडेंड फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी, इस पर भी टैक्स लगता है। डिविडेंड फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी, इस पर भी टैक्स लगता है। यहाँ पे आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे बोलिए अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई रिसीव्ड सैलरी 1,20,000, उसको 1,20,000 की तनखा मिल जाए, इंटरटेनमेंट अलाउंस उसको मिल जाए 10,000 रुपये, ठीक है, एंड उसने 10,000 में 6,000 रुपये खर्च भी कर दिया, तो उसको कितना डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2, ठीक है। तो भैया यहाँ पे आपको उसको कितना डिडक्शन मिलेगा, यानी उसकी तनख्वाह कितनी? 1,20,000, उसको इंटरटेनमेंट के नाम पे 10,000 मिला था, 6,000 उसने खर्च कर दिया, तो दोस्तों इन तीनों में से जो सबसे कम होगा, सबसे पहले तो 5,000 रुपये, ठीक है, फिर दूसरे आपका हो जाता है 20% ऑफ ग्रॉस सैलरी, जो भी उसकी ग्रॉस तनख्वाह होगी उसका 20%। फिर दोस्तों तीसरे आपका आ जाएगा यहाँ पे एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव, एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव, इन तीनों में से जो सबसे कम होगा तो क्या होगा? विच एवर इज यस, ठीक है, आपके लिख देता हूँ मैं, विच एवर इज यस, वो दोस्तों आपका डिडक्शन के अलाउड होगा। तो 5,000 रुपये, ठीक है, पहले आपका क्या आ गया? 5,000 रुपये, ठीक है। फिर दूसरा आपका आ गया 20% ऑफ ग्रॉस चाहिए, तो इसको निकालोगे तो आपका 1,20,000 तो इतना 24,000 रुपये आपका आ जाएगा, ठीक है, ओके, एक क्या का ठीक, ओके ओके ठीक है, भी सही है। फिर दोस्तों तीसरे आपका कितना उसको मिला था? उसको मिला था 10,000 रुपये, ठीक है। अब इन तीनों में से कम कौन? इन तीनों में से कम आपका है 5,000 रुपये, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 5,000 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपने देख लिया। फिर डिडक्शन अलाउड फ्रॉम ग्रॉस चाहिए, यानी कि कौन सा डिडक्शन मिलता है? तो प्रोफेशनल टैक्स आप माइनस कर सकते हो, क्या ये इंक्लूड? भैया ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। फिर दोस्तों इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज एग्जेम्प्टेड अपॉन, कितने परसेंट तक एग्जेम्प्ट होता है? 9.5%। हाउस रेंट अलाउंस इज, दोस्तों ये होता है एग्जेम्प्टेड टू अ सर्टेन लिमिट, कुछ लिमिट तक एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन फॉर द एम्प्लॉय इज 1200 पर मंथ पर चाइल्ड, फॉर एम्प्लॉय टैक्सीबल वैल्यू ऑफ फ्री एजुकेशन टू हिज चाइल्ड सी बी, इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 1200 रुपये पर मंथ, ठीक है। फिर दोस्तों रिइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल ऑफ अ प्राइवेट हॉस्पिटल, यानी कि अगर आपको कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में आपने कुछ खर्चा किया है तो उसका जो रिइंबर्समेंट होता है वो कितना एग्जम्प्ट होता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नहीं, एक्चुअल में जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा 15,000 रुपये, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, ओके। फिर दोस्तों यानी कि यहाँ पे तो 8, 20, 25 नहीं होगा, यहाँ पे आंसर होगा 15, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। द कंप्यूटेड पेंशन इन केस द एम्प्लॉय डज नॉट गेट ग्रेच्युटी शैल बी टैक्सेबल 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन। द पीरियोडिक पेमेंट ऑफ मनी फॉर द पास्ट सर्विस, यानी आपको जो हर महीने पैसा मिलता है आपके पास्ट सर्विस के लिए, इसको दोस्तों पेंशन कहा जाता है, ठीक है। ग्रेच्युटी रिसीव्ड बाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिलती है तो वो फ्री तरीके से एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है। डिडक्शन फॉर अदर एक्सपेंसेस एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट इन द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज अलाउड एबल टू द एक्सटेंट ऑफ, दोस्तों यहाँ पे आपका सिंपल बात है, आपको हाउस प्रॉपर्टी के अंदर 30% का डिडक्शन मिलता है, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन पेड प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो भी आप लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हो, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, घर के बनने से पहले, शैल बी अलाउड एज अ डिडक्शन, तो दोस्तों वो 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर आप डिडक्शन अलाउड करवा सकते हो, ठीक है। द एनुअल वैल्यू ऑफ वैकेंट हाउस प्रॉपर्टी,
ये फेडरेशन सेक्शन 23 सब सेक्शन 2, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 के हिसाब से मार के आए थे, ठीक है, तो भैया उनका आंसर गलत हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे जो आपका दिया हुआ था, एनुअल वैल्यू ऑफ द वैकेंट हाउस, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, यहाँ पे कोई भी आंसर इसका नहीं होगा, ठीक है, ओके। फिर दोस्तों द मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, यानी आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, ठीक है, 1,50,000, 1,00,000 रुपये, 30,000 रुपये, ठीक है, तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, एंड के ये, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नो लिमिट, ठीक है। फिर दोस्तों द एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज 1,20,000, ठीक है, एंड बी एन सी आर इक्वल को ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, बीज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से आई बी, उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 42,000 हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों अंडर सेक्शन 44AB द ऑडिट ऑफ अकाउंट इज कंपल्सरी इफ टोटल शेयर एक्सीड, यानी कि खातों की जांच करवाना कंपल्सरी होता है अगर आपकी इनकम, या भी टोटल शेयर, सॉरी इनकम नहीं, शेयर आपकी 10 करोड़ से ज्यादा होती है तब। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड बाय फर्म टू इट्स पार्टनर इज अलाउड, तो भैया कितना अलाउड है, अप टू 12% तक अलाउड है, ठीक है, ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। फिर दोस्तों बाय कैलकुलेटिंग बिजनेस इनकम द डिसअलाउड पोर्शन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/5, ठीक है। 30,000 पेड इन कैश फॉर द हायर चार्जेस ऑफ गुड्स कैरिज द डिसअलाउड एक्सपेंसेस शैल बी, इसका दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा नहीं, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एक्सपेंसेस इज नॉट एडमिसेबल एक्सपेंसेस, ठीक है, तो भैया आउट ऑफ द फॉलोइंग विच क्या बोलते हैं, यहाँ पे कौन सा एडमिसेबल नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा आंसर इनकम टैक्स, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एक्सपेंसेस इज नॉट एन एडमिसेबल एक्सपेंसेस, हाँ ठीक है, अमाउंट पेड टू एन अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी फॉर सोशल रिसर्च, यानी कुछ पैसा दिया गया है यूनिवर्सिटी को सोशल रिसर्च करने के लिए, तो कितना परसेंट डिडक्शन मिलेगा, 100% का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है दोस्तों। फिर डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन, डेप्रिसिएशन किस चीज पे अलाउड होगा, टी बुसेस के ऊपर, ठीक है, ओके। हाउ मेनी असेसमेंट ईयर एब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर सेट ऑफ, ठीक है दोस्तों, इसको आप कह सकते हो अनस्पेसिफाइड पीरियड के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एसेट्स, तो भैया स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट्स नहीं होता, बाय एसेट्स को कैपिटल एसेट्स बोलते हैं। अ पार्टनरशिप फर्म सोल्ड अ रेजिडेंशियल हाउस अंडर विच सेक्शन ऑफ द फर्म कैन गेट एग्जेम्पशन ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो किस सेक्शन में उसको डिडक्शन मिलेगा, सेक्शन 54EC, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रांसफर, कौन सा ट्रांसफर की कैटेगरी में नहीं आता है, गिफ्ट विल, दोनों इसका आंसर हो जाएगा। टू फाइंड आउट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डैश इज कंप्यूटेड, तो भैया इंडेक्स कॉस्ट हमको निकालना पड़ता है, उसके बाद ही पता चलता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ पे इन नहीं होगा, यहाँ पे इफ होगा, ठीक है। इफ गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन विच इज सेल्फ जनरेटेड इज ट्रांसफर्ड देयर विल बी अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। इनकम अंडर विच हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज टैबल नहीं होगा, यहाँ पे टैक्सीबल हो जाएगा, ठीक है, रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय द असेस्ड, ठीक है, ओके। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रांसफर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका ये दो बार स्कैन हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, ये दो बार हो गया है, ठीक है, हाँ ठीक है। फिर डिविडेंड आर डिक्लेयर्ड बाय द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा फुली टैक्सेबल। फिर डैश इज डिडक्शन अलाउडेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली पेंशन टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है, तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1/3 ऑफ द पेंशन और 15,000 जो भी उसमें से क्या होगा, कम होगा। सेक्शन रिलेटेड टू क्लबिंग ऑफ इनकम, यानी कौन से सेक्शन इनकम के क्लब को डिनोट करते हैं, सेक्शन 60 से 64 तक, ये मैंने बताया भी था आपको, ठीक है। फिर लॉसेस ऑफ स्पेकुलेशन, अगर आपको लॉस हो गया है स्पेकुलेशन बिजनेस से, सट्टेबाजी के बिजनेस से, तो आप उसको भैया कहाँ तक आप क्या बोलते हो उसको सेट ऑफ कर सकते हो, 4 साल तक। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम, ठीक है, सिंपल सी बात है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही कर सकते हैं, बताया था मैंने। सेक्शन अंडर सेक्शन 80E डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट लोन इज टेकन फॉर द हायर एजुकेशन से भी अलाउड, तो भैया इसकी कोई लिमिट नहीं है। सेक्शन 80C अप्लाईज ऑन इंडिविजुअल एंड HUF के ऊपर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। मिस्टर यजत इज कम्प्लीटली ब्लाइंड, वो क्या है, ब्लाइंड है, एंड तो भैया यहाँ पे उनको कितना डिडक्शन मिलेगा 80U के अंदर, इनको मिलेगा 1,25,000 का। आउट ऑफ विच इनकम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G इज नॉट अलाउड, ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके ये मैच होता हूँ कि आउट ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 80G इज नॉट अलाउड, ये आपको करके बताना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, वरना मैं इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे सन नहीं होगा, सम, यहाँ पे क्या होगा, सम होगा, सम ऑफ वेरियस हेड ऑफ इनकम इज कॉल्ड, सारी हेड के इनकम को जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। इफ टोटल इनकम इज 420294.50, तो सिंपल सी बात है भैया, मैंने आपको बताया था
5 जीरो है तो ये कम हो जाएगा, 9 के बाद 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया था आपसे, ठीक है, ध्यान से समझना कि इसको पूछा जा चुका है, ठीक है। द एट ऑफ हेड एंड एजुकेशन सेस ये आपका 4% है, फिर द एट ऑफ सरचार्ज ऑन टैक्स पे बाय व्हेन इनकम इज 8,000 रुपए, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपका इनकम 50,000 से कम है तो आपको सरचार्ज नहीं देना पड़ता जीरो, 50,000 से ज्यादा है और 1 करोड़ से कम है तो 10% का है, यहाँ पे आपकी इनकम 8,000 रुपए है तो आप सरचार्ज नहीं दोगे। द रेट ऑफ टैक्स ऑन लॉटरी अगर लॉटरी से जीतते हो तो 30% का आपको टैक्स देना पड़ता है। टोटल इनकम ऑफ द रेसिडेंट वुमेन एज कितना है, 60 साल की है यानी कि भैया सीनियर सिटीजन है, एंड 2023-24 इनकी इनकम 6,00,000 रुपए है तो इनको कितना टैक्स देना होगा भैया। तो अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने आपको आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको कि रेसिडेंट वुमेन है, ठीक है, एज 60 साल की है यानी 60 साल की एज है तो यानी कि सीनियर सिटीजन में आ गई, 60 से 80 के बीच के लोगों को सीनियर सिटीजन कहा जाता है। तो पहले तो इनका जो 3,00,000 रुपए है वो क्या है, इनका एग्जम्प्ट है यानी 6,00,000 में 3,00,000 के ऊपर इनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, चलो ठीक है। फिर दोस्तों जो बच गया आपका 2,00,000 रुपए, नेक्स्ट क्या हो गया 2,00,000 रुपए, वो हो गया आपका 5%, ठीक है, वो आपका आ जाएगा कितना 10,000 रुपए, एक आपका 5% 5,000, दो का 5% 10,000। फिर आपका तीसरा क्या हो गया दोस्तों, क्या बोलते हैं आपका जो नेक्स्ट एक बच गया उसके ऊपर 20% से टैक्स लगेगा यानी कि ये आपका आ गया 20,000 रुपए, ठीक है। फिर ये आपका 20,000 फिर 10,000 आपका कितना आ गया यहाँ पे, ठीक है, ओके ये आपका आ गया 10,000, 20,000, 30,000 रुपए। फिर दोस्तों आपको क्या बोलते हैं 30,000 रुपए आ गया, फिर 4% का एजुकेशन सेस, 4% का सेस लगेगा आपके ऊपर 30,000 के ऊपर, वो आपका आ गया 1,200 रुपए, ठीक है, 31,200 रुपए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सेस लगाना बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे इसीलिए उनका आंसर नहीं आ पाया होगा, ठीक है। फिर दोस्तों एसेसिंग ऑफिसर भैया वो कौन कौन हो सकता है, सिंपल सी बात मैंने बताया था, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। टॉप अथॉरिटी इन इनकम टैक्स सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस गेटिंग परमानेंट अकाउंट नंबर इज कंपल्सरी फॉर, तो भैया ये सबके ये अब क्या हो चुका है कंपल्सरी है यहाँ पे। सेक्शन यहाँ पे सेक्शन ही होगा, सेक्शन होगा ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट 144, ठीक है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मेड बाई, तो ये जो आपको टैक्स देखो दोस्तों दो जो दे रहा है, ठीक है जी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मेड बाई, तो जो आपको पेमेंट करता है वही टैक्स काटता है, ठीक है। लायबिलिटी टू पे एडवांस टैक्स अराइजेस, कब हमारी एडवांस टैक्स को पे करने की लायबिलिटी अराइज होती है, जब हम क्या बोलते हैं इनकम जब 10,000 से वो क्या हो टैक्स लायबिलिटी ज्यादा हो। ड्यू डेट फॉर सेकंड इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे सेकंड पूछा है, आप लोग ड्यू डेट मान के गलत मान दिए होंगे, ठीक है, 15 सितंबर। दोस्तों अपना आखिरी क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 टैक्स हैव बी डिडक्टेड ऑन इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इन बैंक इफ इंटरेस्ट अमाउंट इज इन एक्सेस ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा 40,000। दोस्तों मैंने बहुत ही अच्छे से आपको इनकम टैक्स पढ़ाया था, सारे क्वेश्चन आपके उसी में से आए हैं, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंड दोस्तों अगर आपको बीकॉम के सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक है, अगर आपको बीकॉम के सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करनी है, घर बैठे बैठे पढ़ना है, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना कॉलेज नेशन, ठीक है, जहाँ पे दोस्तों आपको सारा कोर्स मिल जाएगा केवल 499 के अंदर, यानी घर बैठे बैठे आप पूरे बीकॉम के सेमेस्टर की तैयारी कर सकते हो, चाहे आप बीकॉम के किसी भी सेमेस्टर में क्यों ना हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, 499 पर सेमेस्टर में आपको सारे वीडियोस लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है, आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, आपको PYQs मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे MCQs प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे, ये सब कुछ मात्र 499 पे, ठीक है। अगर आपको बीकॉम या फिर एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी करनी है, बीकॉम या फिर एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी करनी है, ठीक है दोस्तों, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी की हो, चाहे वो CUT हो, चाहे वो MGKVP हो, चाहे वो DDU हो, चाहे वो लखनऊ हो, किसी भी यूनिवर्सिटी की बीकॉम एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी करनी है, तो आप हमारे कॉमर्स नेशन ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है, जहाँ पे आपको एंट्रेंस के कोर्सेस मिल जाएंगे। एंड आपको कोई भी दिक्कत है, सिंपल सी बात है, आप इस नंबर पे कॉल घुमा दो, ठीक है, ठीक है, आपको दोस्तों सब कुछ यहाँ पता चल जाएगा, आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, चाहे कॉमर्स नेशन से रिलेटेड, चाहे कॉलेज नेशन से रिलेटेड, आप इस नंबर पे फोन करके, चाहे आपको सेमेस्टर एग्जाम की इंक्वायरी करनी है, चाहे आपको एंट्रेंस एग्जाम की इंक्वायरी करनी है, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड दोस्तों बहुत सारे MCQ प्रैक्टिस करने की चैनल को विजिट करो, वहाँ पे बहुत सारी पेस्ट बनी हुई है, वहाँ पे बहुत सारे MCQ प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू सो